वेलकम टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हैं अपने भाई का चैनल इन्फो अरुण व्लॉग्स। सो गाइस, आज हम आ पहुंचे मोती नगर आरएस कोडा पे दोबारा से एक और गाड़ी का रिव्यू करने के लिए। और आज की जो गाड़ी है बहुत ही स्पेशल है और बहुत प्रीमियम और लग्जरी जानी जाती है अपने क्लास में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं शोरूम के अंदर। पहले आपको दिखाएंगे गाड़ी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और उसके बाद मिलवाएंगे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर रोहित से, जो आपको गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस गाड़ी में क्या कुछ फीचर्स हैं, इसका प्राइस और बाकी सारी चीज़ें। सो लेट्स गो गाइस, हैव अ लुक। सो गाइज, हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित, जो आज इस गाड़ी की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और यही है वो गाड़ी जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, स्कोडा सुपर्ब, जो अपने आप में एक बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी गाड़ी है। सो मिस्टर रोहित, आपसे जानेंगे गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन, तो बताइए हमें इस गाड़ी में क्या कुछ पावर है और क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है। हेलो गाइज, ये हमारा सुपर्ब लेटेस्ट लॉन्च है। इससे पहले इंजन एक स्मॉलर आता था, इससे अभी 2000 cc हो गया, 2000 cc। और इसके अंदर ऑल LED हेडलैम्प्स जो हमने चेंज कर दिए हैं, प्लस इसकी अगर पावर के बारे में बात करें तो 190 PS पावर भी बढ़ गया है, और जो कि 4200 RPM पे जनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप इसकी टॉक की बात करें, टॉक काफ़ी अच्छा है, 320 टॉक है और काफ़ी कम RPM पे है। तो आप अगर देखें तो पावर बहुत अच्छी जनरेट करने वाली है कार। बिल्कुल। और ये दोनों, ये जो जो सुपर मॉडल है, ये यूजुअली सिर्फ पेट्रोल में ही है, राइट? हाँ, पेट्रोल ओनली। पेट्रोल में सिर्फ इसके आपको दो वेरिएंट ही मिलेंगे, BS6 पेट्रोल। अब BS6 में हमने अभी चेंजेस करे हैं हेडलाइट के अंदर। इसमें ऑल LED हेडलैम्प्स है, अभी थोड़ा उजाला है तो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, बट ऑल LED है। पहले LED हेडलैम्प्स नहीं आते। एक लुक दिखाता हूँ थोड़ा सा इसकी तरफ फोकस करके कि किस तरह की इसकी जो है आपको LED लाइट का जो व्यू है वो कैसा है। इसके बाद अगर आएंगे गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर, जहाँ पर मिस्टर रोहित हमें बताएंगे कि ये जो हमारे डबल शेड में, ड्यूअल टोन में जो आपके जो ये अलॉयज हैं, और इसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त बैजिंग है, तो मिस्टर रोहित हमें बताइए ज़रा इस बैजिंग। ये बैजिंग है लॉरेन क्लिंटन, जो कि गाड़ी के फाउंडर्स थे, उनके नेम पे है। और ये हमारे टॉप मॉडल कार्स पे रहता है, जो कि टॉप एंड्स रहते हैं। तो ये इसके अंदर LNK वेरियंट है, टॉप वेरियंट है, और इसमें अलॉयज आपको ड्यूअल टोन में मिलेंगे, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इससे लोअर एक वेरियंट आता है स्पोर्ट्स लाइन, उसमें आपको ड्यूअल टोन अलॉयज नहीं मिलते हैं। तो ये आपके ड्यूअल टोन अलॉयज हैं 17 इंचेस के, जो देखने में बहुत क्लासी लग रहे हैं। और जैसा कि ये बैजिंग है, जो बैजिंग है ये अपने आप में बहुत बड़ा क्लास लगती है इस गाड़ी की। गाड़ी की साइड प्रोफाइल को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको जो क्रोम की एक गार्निश मिलती है, जो आपकी साइड डोर को कवर करती है। इसके अलावा मिस्टर रोहित, जानना चाहूँगा इसमें जो फ्यूल की टैंक की कैपेसिटी है वो क्या है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 66 लीटर। 66 लीटर का इसमें जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे इसका बूट स्पेस, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है इस क्लास के अंदर। तो मिस्टर रोहित, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसका बूट स्पेस हमें दिखाइए। मिस्टर रोहित, कितने लीटर का बूट स्पेस है ये? 625 लीटर है, 625 लीटर का। गाइज, आप देखो, मतलब आपको देखने से ही लग रहा है, मतलब अगर मैं नॉर्मली आपको हाथ ऐसे करके दिखाऊँ तो देखिए इतना स्पेस है इस गाड़ी के अंदर कि आप कितना भी सामान आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगेन, आपको हैंगर टाई करने के लिए, इन केस अगर आपके कोई भी गिफ्ट आइटम्स वगैरह कुछ भी आप हैंग करना चाहते हैं, बिल्कुल। इसके साथ आपको 12 वोल्ट जो हमने आपको कैरोक में भी दिखाया था, और अगेन एक छोटा सा आपको स्पेस मिलता है। ये आपकी स्मार्ट LED लाइट जो हमने आपको कैरोक में भी दिखाई थी, इसमें आपको जो है ये पावर बटन रहता है, इलेक्ट्रिक बूट है इसका, बूट ऑफ हो जाएगा अपने वन टच जो है आप। और इस बूट में वर्चुअल पैडल भी आता है, आप नीचे पाँव क्लिक करेंगे बूट ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत स्मार्ट फीचर्स है इसके अंदर। वन टच आपकी जो है बूट स्पेस, आपकी डिक्की बंद हो जाएगी, प्लस
आपकी कुछ हैंग कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है, आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, तो आप की आपके पॉकेट में, आप जैसे ही पाँव नीचे फ्लिक करेंगे बूट ओपन हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर। तो बाहर से गाड़ी की कुछ इस तरह की लुक है, और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर जिसमें आपको दिखाएंगे इसके बहुत ही स्मार्ट फीचर्स। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर गाइस। सो गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और इस तरह का आपको कुछ इसका कैबिन दिखेगा। अब कैबिन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखेंगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके स्टीरियो पर दिखेंगी, वो सारी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे मिस्टर रोहित। अभी इसके अंदर आपको जो है ऑल दो सारे एनालॉग फीचर्स के साथ ही है और सेम वही है, बट इसमें एम्बिएंट कलर जैसे चेंज होगा तो बीच में क्लस्टर मीटर में भी कलर्स चेंज होंगे, और सेम वैसी पैडल शिफ्टर्स और अदरवाइज सारी चीज़ें सेम ही है। अगर आप देखें तो मेजरली ये फोर वे एडजस्ट कर सकते हैं आप। क्रूज कंट्रोल है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटो डिम मिरर है, रियर व्यू मिरर ऑटो डिम हो जाता है रातों थी। ये सारे फीचर्स आते हैं इसमें, और एयरबैग्स 8 हैं, और म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैंटन म्यूजिक सिस्टम है विद 11 स्पीकर्स एंड एक 1 सबवूफर जो कि 610 वॉट का है। साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा माना जाता है, जर्मन कंपनी है ये। ओके, तो काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे कैंटन स्पीकर्स। बिल्कुल, ये बेसिकली हम इस मॉडल के अंदर देते हैं। सो बहुत ही जबरदस्त, मतलब फील आने वाला है म्यूजिक सिस्टम आपको, सराउंड साउंड मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, किसी तरह का ज्यादा शोर शराबा नहीं, लेकिन एक क्लास जो म्यूजिक का क्लास होता है वो आपको मिलने वाला है। ESG गियरबॉक्स है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है विद एयर केयर फीचर, एंड इसमें जो हैंड ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक आता है, ऑटो होल्ड का फीचर है, ऑटो स्टार्ट ऑफ का फीचर अभी BS6 कार्स में है, पहले नहीं था, ऑटो स्टार्ट ऑफ का फीचर आ गया है। अगर आप स्टैंड बाय पे रहती है गाड़ी, अगर खड़ी रहती है तो अपने आप ऑफ हो जाएगी फिर स्टार्ट हो जाएगी। okay. तो ये आप इस फीचर को अगर आप ऑफ रखना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे ही अभी ऑन है। ये सेम वही फीचर्स है जो हमने कैरोक में भी आई थिंक डिस्कस किए थे। तो आपको वही जो है SUV वाले फंक्शंस, वही SUV वाली चीजें आपको जो है इस लग्जरी गाड़ी में भी, बट इसमें म्यूजिक सिस्टम अलग आता है, कैंटन बिल्कुल जो इसके अंदर एक म्यूजिक सिस्टम है जो मुझे दिख रहा है लुक वाइज भी, जो आपको बिल्कुल डैशबोर्ड के कहीं से भी आपको अलग नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा ये बिल्कुल जो है इसमें एक तरह का बिल्कुल एक पेस्ट, कहीं से आपको थोड़ा सा भी अलग डिफरेंस नहीं लगेगा, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में। इसमें सेम वैसे ही आप बैकग्राउंड लाइटिंग चेंज कर सकते हैं, इजी टू रीच है, सबसे बड़ी चीज कि आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आपको 10 कलर्स में चेंज कर सकते हैं, सेम वही अगेन सेम वही फीचर्स जो हमने एंबिएंट लाइट की जो एनवायरनमेंट ग्रीन है, तो अंदर क्लस्टर मीटर भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया और ये सब ग्रीन कवर हो गया। बिल्कुल, ये लाइट्स है, ऑटो क्लाइमेट्रॉनिक एसी है। ओके, और इनको आप डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर से भी आप कर सकते हैं, सेम वैसे ही दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ से भी ऑपरेट करना चाहें। ओके, ये आपका एसी का आ गया, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस माइनस, तो ये भी वही सेम चीजें हैं, सेम दोनों तरफ से कंट्रोल सेम वही है, बस इसमें म्यूजिक सिस्टम का जो साउंड क्वालिटी है वो साउंड क्वालिटी वो और बेटर है। बिल्कुल, तो इसके अंदर स्पेस वाइज भी आपको मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जिस तरह के आपको यहाँ पर भी स्पेस दिखेगा, यहाँ पर आप अपने कोई भी अपना फोन या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप यहाँ पर संभाल के रख सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी की कुछ इस तरह की आपको की दिखेगी विद स्कोडा जो आपकी ब्रांडिंग है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, यहाँ पर आप अपने कप होल्डर आपको जो है यूजुअली मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट की, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त वाला स्पेस मिलने वाला है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। आई थिंक इसके अंदर मुझे कुछ ऑप्शन लग रहा है आपके पास, इसमें आप कुछ कूल भी रख सकते हैं, कूलिंग रख सकते हैं, राइट राइट, इसमें टैब वगैरह अगर कुछ रखना चाहें तो, कोई ऐसे टैप्स वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं सेफली, अलग से स्लाइड में रहेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ कूलिंग है, कुछ सैंडविच है, वो भी आप रख सकते हैं। राइट, तो अच्छा काइंड ऑफ कूल जो ये कूलिंग इधर भी है, कूल ग्लोव बॉक्स इधर भी है, ग्लोव बॉक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, ग्लोव बॉक्स जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, ग्लोव बॉक्स तो आपको अगेन अपने हिसाब से, जैसे हमने कैरोक में भी डिस्कस किया था कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है कूलिंग टेम्परेचर रख सकते हैं, आपको ज्यादा कूल चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा, आपको एक USB पोर्ट मिल रहा है। तो ये इसके गाड़ी के कुछ फ्रंट के फीचर्स, टॉप मॉडल के अंदर कुछ बहुत ये बहुत सीट्स आती हैं, आप पीछे से सीट्स, अगर ये आपकी सीट्स जो हैं आप आगे पीछे पीछे से ही करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज हम इस कार को एज ए शॉफर ड्रिवन समझते हैं। okay. तो अगर शॉफर ड्राइव कर रहा है तो आप पीछे बैठे हैं तो ये आप पीछे से ही कर सकते हैं, ये बटन आप दिखा सकते हैं, इससे हम पीछे से ऑपरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यस अगर आप पीछे बैठे हैं तो
एक लग्जरी वाली फीलिंग आपको मिलेगी उस, आप पीछे ही बैठे बैठे इस गाड़ी की। और इसमें थाई सपोर्ट काफी अच्छा है और लेग स्पेस बहुत ही बढ़िया है, जो बिल्कुल, बिल्कुल। काफी हाई एंड कार्स में नहीं अभी मिलता आपको। अभी हम बिल्कुल पीछे बैठ के देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो पीछे बैठ के फीलिंग आती है, सीटिंग का जो थाई सपोर्ट है वो अनमैचेबल है। ओके, और इसके अलावा सनरूफ हमारी है, इलेक्ट्रॉनिकली सनरूफ मिलेगी इसमें आपको। तो ये हाँ, जैसे ही हम एंटी पिंच के साथ, हाँ एंटी पिंच के साथ, किसी का भी हाथ आता है बॉम्ब लगा कुछ, तो ये आपको एंटी पिंच के साथ सनरूफ मिलेगी, वन टच है, राइट। तो ये गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और इसके अलावा अब हम गाड़ी के पीछे जाके देखने वाले हैं और मैं पीछे बैठ के आपको दिखाने वाला हूँ कि इस गाड़ी में जो है, जो बैक सीट, जो लग्जरी कार्स में यूजुअली बैक सीट पर जो फीलिंग आती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो हम पीछे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं, मिस्टर रोहित से कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि गाड़ी में पीछे क्या फीचर्स है। सो गाइस, हम आ चुके हैं गाड़ी की बैक साइड पर, यानी कि गाड़ी के रियर सीट पर, जो कि आप देखेंगे अपने आप में एक लग्जरी फीलिंग है। मतलब मैं इतने कम्फर्टेबल बैठा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो लेग स्पेस है अनबीटेबल, कहीं से आपको किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस, किसी तरह का कुछ भी फील नहीं होने वाला है। सो क्योंकि आप थाई सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा था, जो थाई सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा ना, राइट, वो आपको बहुत सारी हाई एंड कार्स में मिस रहेगा, राइट। इसका जो कम्फर्ट है वो अलग है, आप पीछे बैठते ही मोहित हो जाएंगे कि हाँ, आपको खुद एक फर्क दिखेगा। ये देखिए, जिस तरह से मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, यहाँ से जो शेप, जो यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एक एडवांटेज है इसमें, जिससे आपको बिल्कुल आपको कहीं से भी थकान महसूस नहीं होगी। बॉस बटन आपने वन क्लिक किया, बॉस बटन जो हम बात कर रहे थे, ये आगे अपने आप जाएगा, ये भी काफ़ी बॉसी फील कराता है आपको। सिर्फ एक वन टच करना है एंड सीट अपने आप आपकी मूव हो जाएगी और आपको और कम्फर्टेबली बैठने का एक मौका मिलेगा इसमें। सनब्लाइंड्स आते हैं, रोलर, तो ये आपको लग्जरी कार्स में ऑब्वियसली, ये आपको रेयर, जो रेयर सीट पर आप बैठ रहे हो, ये शेड्स आपको जो है बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप देखें, सनब्लाइंड एक पीछे भी है, देखिए आप जी, बिल्कुल ये पीछे भी एक सनब्लाइंड है, राइट। तो आपके रेयर सीट्स पे प्लस आपके बैक मिरर पे आपको इस टाइप के शेड्स मिलेंगे, जिनको आप करके गाड़ी को और थोड़ा सा कम्फर्टेबली फील करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ अगेन आउट ऑफ द वर्ल्ड। टैब होल्डर आता है, अपना टैब रख सकते हैं, आप कुछ भी उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। टैब होल्डर आपको साथ में मिलता है एसेसरी पार्ट में, ओके, हम साथ में देते हैं। और एक क्या कहते हैं, कोट हैंगर भी आपको साथ में मिलेगा कार के। तो इसके अंदर आपको अगेन बैक साइड का आपको मज़ा ही कुछ और होगा। मैं बताना चाहूँ, मुझे इतना मज़ा आगे बैठने में नहीं आया जितना मज़ा मुझे इस गाड़ी में पीछे बैठने पर आ रहा है। और अगेन, जो हमने फीचर्स एक कैरोक में भी डिस्कस की थी, कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जिसको आप सिर्फ वन टच करते हैं और आप जो है पहुँच जाते हैं गाड़ी की डिक्की पर, जहाँ से आप कोई भी अपनी कोई भी चीज़ रखिए जिसको आप निकालना चाहते हैं, तो यू कैन ईजिली फाइंड इट, आप उसको बहुत आसानी से यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यू डोंट नीड टू ओपन द डिक्की एंड ऑल दैट। इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि दोनों ही डोर्स के अंदर एक स्पेस होता है फॉर दैट अम्ब्रेला होल्डर, दो अम्ब्रेलाज आते हैं इसमें, राइट। और कैरोक में हमने जो कवर किया था वन अम्ब्रेला, इसमें दो अम्ब्रेलाज आते हैं कार के साथ। तो ये आपको रियर सीट, रियर आपके फ्रंट में, फ्रंट डोर में, बिल्कुल देखेंगे वो चीज़ हम। आइए, तो यहाँ पर आपकी जो अम्ब्रेला है वो इंस्टॉल करते हैं यहाँ से। आप नॉन बैक्टीरिया वो होता है, बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगेगा। अगर क्या गीला भी है आपका वो भी, तब भी आप रख सकते हैं, वो सारा ओके सूख जाएगा, वो नॉन बैक्टीरियल होता है, राइट। बिल्कुल, तो देखें आपने गाड़ी के कुछ फीचर्स जो कि बहुत ही लाजवाब हैं, जो इस गाड़ी को अपने आप में एक प्रीमियम और लग्जरी लुक देते हैं। सो गाइस, बात करें अगर गाड़ी के प्राइस की, तो मिस्टर रोहित क्या प्राइस हमें जो है ऑन रोड पड़ने वाले हैं? दो वेरिएंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स लाइन इज द लोअर वेरिएंट, स्पोर्ट्स लाइन जो है खुद इंडिविजुअल ड्राइव करने वाले लोगों के लिए, एंथुजियास्ट्स के लिए, वो आपको कॉस्ट करता है 3487 का। और फिर एक टॉप मॉडल आता है, वो कॉस्ट करता है आपको 3840,000 के करीब ऑन रोड दिल्ली नंबर इंडिविजुअल नेम से। सो ये दिल्ली के प्राइजेस, गाइस मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो प्राइजेस हैं ये दिल्ली शोरूम्स के प्राइजेस हैं। तो अगर ये गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो आपको दो वेरिएंट में मिलेगी, एक आपको 34 लाख समथिंग और एक आपको 38 लाख समथिंग का पड़ेगा। रोहित, इसमें जानना चाहेंगे हमारे पास कलर ऑप्शन क्या होंगे इसमें? स्पोर्ट्स लाइन में तीन कलर्स आते हैं, okay. और अगर आप LNK के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 5 कलर्स की चॉइस मिलती है। सो अगेन, आपके वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स में आपको 3 कलर मिलते हैं और उससे जो टॉपेस्ट वेरिएंट है उसके अंदर आपको 5 कलर मिलते हैं। अभी किसी तरह का कोई वेटिंग टाइम इन गाड़ियों पर? वेटिंग टाइम नहीं है, बट
कई बार स्टॉक में कलर ना अवेलेबल होने की वजह से आपको 15-20 दिन वेट करना पड़ सकता है। ओके, सो मे बी कलर जो है एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, अदरवाइज विद इन 10-15 डेज जो यूजुअली जो इनका जो टाइम है इतना ही टाइम आपको लगेगा। तो अगेन मैं मिस्टर रोहित से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी व्यूवर्स से अपनी डिटेल शेयर करें इन केस इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू हैव अ टेस्ट ड्राइव, और किसी तरह की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर नंबर प्लीज़। 9650063424। सो ये नंबर जो है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 7 days 24/7। ठीक है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं मिस्टर रोहित को, ही विल ऑलवेज असिस्ट यू, और ये बहुत अच्छी तरह असिस्टेंस देते हैं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सो गाइस, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर दिस लग्जरी सुपर कार जिसको मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग तो गाइस हैव अ टेस्ट ड्राइव। जिस तरह की ये देख रहे हैं जी, ये जो मिस्टर रोहित जो बता रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा जो सुपर के अंदर फैक्टर हुआ, सो ये जो दो चीज़ हैं ये इस गाड़ी की अभी के टाइम पे सबसे बड़े चेंजेस हैं। एक आपकी फ्रंट ग्रिल और इसके जो LEDs हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी टेस्ट ड्राइव फॉर दिस कार, तो आप जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया मिस्टर रोहित का, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड इसके टेस्ट ड्राइव का प्लान कर सकते हैं। किसी तरह की वेटिंग टाइम का मैंने आपको बता ही दिया है, हार्डली 10-15 डेज़ के अंदर आपको ये गाड़ी अवेलेबल होगी 24/7। 7 days आप जो है मिस्टर रोहित को कॉल करके इस गाड़ी की कोई भी क्वेरी आप जान सकते हैं। लोकेशन आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपको मोती नगर आना है, मोती नगर के जस्ट जैसे ही आप फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे तो अपोजिट टू हल्दीराम और किया मोटर्स के अपोजिट में आपको जो है RS कोडा के नाम से ये शोरूम मिल जाएगा, तो आप 7 days कभी भी विजिट कर सकते हैं 2-7 के बीच में। सो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी। लास्ट में मैं मिस्टर रोहित का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ऑल दो आज संडे था, बहुत रश आवर्स होते हैं आज के, संडे का दिन थोड़ा सा इनका बिजी होता है, बट उसके बाद भी इन्होंने जो अपना एक वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया है, तो उसके लिए आई वुड थैंक्स टू मिस्टर रोहित। थैंक यू ब्रदर। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू थम्स अप, अगर भाई के चैनल पर पहली बार है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू गाइस।